हेलो एवरीवन सो इस वीडियो में हम बात करेंगे दो मेजर टाइप के शेयर्स की विच इज़ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स किसी भी कंपनी को अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है तो ये कैपिटल मोस्टली दो सोर्सेज से आता है फर्स्टली बोरोइंग्स एंड सेकेंड वन इज मनी इन्वेस्टेड बाई दी ओनर्स सो बोरोइंग्स में जो बॉन्ड्स कंपनी इशू करती है और लॉन्ग टर्म लोन्स लेती है उससे कैपिटल मिलता है एंड द सेकेंड इज रेज थ्रू शेयर स्टॉक और इक्विटी सो हम इस वीडियो में दो मेजर टाइप के शेयर्स को डिस्कस करेंगे जो है इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स

अब बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की सो इक्विटी शेयर्स आर द शेयर्स दैट कैरी वोटिंग राइट्स एंड द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो फ्लक्चुएट्स एवरी ईयर एज इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू द कंपनी तो बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी में वोटिंग राइट्स मिलते हैं पर इनका डिविडेंड पेमेंट फ्लक्चुएट होता है और कंपनी के प्रॉफिट्स पर डिपेंड करता है अब हम बात करते हैं इन दोनों शेयर्स के डिफरेंस की सो बेसिकली इक्विटी शेयर्स आर द ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द कंपनी रिप्रेजेंटिंग द पार्ट ओनरशिप ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स भी कह सकते हैं एज प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स दैट कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स ऑन द मैटर्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ़ कैपिटल सो इन शेयर होल्डर्स को uh, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है ज़्यादा प्रायोरिटी या प्रेफरेंस मिलता है ओवर द इक्विटी शेयर्स तो द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द पेमेंट ऑफ़ डिविडेंड सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंट uh, सारे लाइबिलिटी के पेमेंट के बाद मिलता है वेर एज़ फॉर द प्रेफरेंस शेयर्स प्रायोरिटी इन पेमेंट ऑफ़ डिविडेंड ओ ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर हम बात करें रीपेमेंट्स की सो इन द इवेंट ऑफ अप ऑफ द कंपनी इक्विटी शेयर्स आर रीपेड एट द एंड मतलब जब कंपनी बंद करने का डिसीजन लिया हो तब इक्विटी शेयर्स एंड में रीपे किए जाते हैं वेर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पे पेमेंट किया जाता है नाउ टॉकिंग अबाउट स्टॉक एक्सचेंजेस तो इक्विटी शेयर्स जैसे हम सबको पता है वो इंडियन स्टॉक मार्केट पर ट्रेड किए जाते हैं पर प्रेफरेंस शेयर्स को स्टॉक मार्केट पर ट्रेड नहीं किया जाता देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द रेट ऑफ डिविडेंट सो फॉर इक्विटी शेयर द रेट ऑफ़ डिविडेंट इज़ फ्लक्चुएटिंग वेर एज़ फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स द रेट ऑफ डिविडेंट इज़ ऑलवेज फिक्सड उसके बाद हम रिडम्शन की बात करते हैं मतलब हमारे सारे शेयर्स कंपनी को वापस सेल करना हो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन इक्विटी शेयर होल्डर्स वेर एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन डू दिस देन द लास्ट पॉइंट इज अबाउट द वोटिंग राइट्स सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलते हैं मतलब कंपनी का कोई भी डिसीजन लेना हो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलते हैं वेर एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये राइट नहीं मिलता I hope you liked today's video. If you did, do like, share, and subscribe to our channel, and also hit the bell icon to get more video updates. You can also follow us on Instagram to stay in touch. This is Sanjali from UA Capital. Your investment journey starts here.